अच्छा आज हम पढ़ रहे हैं पांडास। नंपाई हमारा एंड हो चुका है, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है। नंपाई वैसे बहुत लेंथी है, तो मैंने उतना कवर किया है जितना हमें आगे ज़रूरत है, मतलब मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या डीप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम पढ़ रहे हैं डाटा साइंस की एक सेकेंड लाइब्रेरी जिसको कहते हैं पांडास। ठीक है, हमने चाइना से मंगवाए थे लेकिन आए नहीं, तो हम बेसिकली कोडिंग में करेंगे। ठीक है, ये तो खैर मजाक की बात है। पांडास बेसिकली एक था बंदा जिसका नाम था वेस मैकेनी। उसने 2008 में इस पे काम की स्टार्ट किया था, और इसके बेसिकली दो नाम बनते हैं अगर हम प्रॉपर बात की जाए ना, पैनल डाटा या फिर पांडा की डाटा एनालिसिस। इससे अगर कोई आपने इसका कोई शॉर्ट फॉर्म निकालना है, लेकिन दोनों इंटरप्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका मीनिंग नहीं है। पैनल डाटा या फिर क्या होगा, पाइथन डाटा एनालिसिस। तो ये दो आप इसके मतलब निकाल सकते हो। जैसे नमपाई उन्होंने रख दिया था, नमपाई क्या मतलब होता था, न्यूमेरिकल पाइथन, नम न्यूमेरिकल और पी वाई से न्यूमेरिकल पाइथन। तो इसका आप कह सकते हो पैनल डाटा या फिर क्या होगी आपकी, पाइथन डाटा एनालिसिस। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अच्छा होता क्या है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, लिखी पाइथन में गई है। मतलब जो हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो लाइब्रेरी पहले किसी लैंग्वेज में लिखी जाती है। आपको पता है आपने नमपाई पढ़ ली है, तो नमपाई बेसिकली सी प्लस प्लस में लिखी गई है, लेकिन यूज पाइथन में होती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो पांडाज है वो लिखी भी पाइथन में गई है और यूज भी पाइथन में ही हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमपाई का टच जरूर लिया गया है ताकि उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए। नमपाई क्यों फेमस हुई थी, फेमस इसलिए हुई थी ना कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है और एफिशिएंट स्टोरेज है। तो इसमें उसकी जो एफिशिएंट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है ना, उसको उन्होंने ले लिया, और इसी वजह से ये भी आगे जाके फेमस हो गई। इसका जिक्र हम कर चुके हैं कि वैस मैकेनी ने जो है बेसिकली 2008 में स्टार्ट किया था, और अब तक आजकल काफ़ी फेमस है। जितने भी आपके डाटा जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो बेसिकली इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इंस्टॉल करना सबको सिंपल वैसे ही है जैसे हमने नंपाई की थी, पिप इंस्टॉल पांडास। और सिंपल, अगर आप एनाकोंडा यूज़ कर रहे हो तो उसमें शायद ज़रूरत ना भी पड़े, एक दफ़ा करके देख लेना। अगर तो वो इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो कह देगा कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड आपकी जो है वो इंस्ट्रक्शन। वाई इसलिए करते हैं, आसान से अल्फाज में फीचर बहुत ज़्यादा है इसमें। देखो डाटा एनालिसिस ना एक्सेल के जरिए भी हो सकता है, एक्सेल सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन जब डाटा बिग हो जाएगा, बढ़ता चला जा रहा है आपका डाटा, तो उसमें डाटा एनालिसिस थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब हैवी फाइल एक्सेल में अपलोड होगी ना तो आपका सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तो जो बिग डाटा होता है, मतलब जिसमें एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में एंट्रीज हैं, तो उसके हवाले से बेसिकली जो पांडा की जो फीचर एनालिसिस है ना, वो बेसिकली यहाँ काम आता है कि जब आपका डाटा बहुत बड़ा हो गया है, उसमें पांडा जो है ना वो आपको इजीली उसको एक्सेस कर लेगा, यानी आपका नॉर्मल सिस्टम भी हैंग नहीं होगा। सबसे आसान इसका जो एक रीज़न है मेरे हिसाब से यही है कि फीचर बहुत ज़्यादा है इसमें। एक्सेल में हम उतने फीचर नहीं यूज़ कर सकते, इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये बिग डाटा, कि बिग डाटा की जो आपकी जो एक समझ लो कि एक टर्म यूज़ होती है ना, उसमें जो डाटा एक लार्ज क्वांटिटी में होता है आपके पास, वो जब एक्सेल में लोड करोगे तो एक्सेल तो हो जाएगा आपका यहाँ पे फेल, यानी हैंग हो जाएगा आसान से अल्फाज में। जबकि जो पांडा की लाइब्रेरी है यूजिंग पाइथन, यहाँ पे वो चीज़ ईजिली एक्सेस हो जाती है। ठीक है, और दूसरी एक और अच्छी ऑप्शन ये है कि उन्होंने पांडा और एक्सेल को आपस में इंटीग्रेट कर दिया है, यानी जो भी डाटा एक्सेल में बना हुआ है उसको हम पांडा लाइब्रेरी में इम्पोर्ट कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये इसके तीन चार वजूहात हैं कि हम क्यों उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। फीचर्स कौन कौन से हैं, रीड हो सकता है डाटा, डाटा राइट हो सकता है, डाटा चेंज हो सकता है, प्री प्रोसेस हो सकता है, यानी उसमें कोई वैल्यू नन आ गई है, जीरो है, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, वो सारी रिमूव हो सकती है। वो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ इंशाल्लाह कल करेंगे। और मैनिपुलेशन, यानी उनको उसको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, यानी उसके हम वाले से एवरेज लेना चाह रहे हैं, मीन लेना चाह रहे हैं। और फाइनली उसका डाटा एनालिसिस करना है हमने, यानी उसके कोई उस मैनिपुलेशन करने के बाद उसके कोई ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, तो वो भी उसमें भी ये चीज़ काम आती है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि नमपाई की स्पीड इन्होंने ली है, तो आगे जाके पांडा में नमपाई के फीचर भी यूज़ होंगे। ठीक है, अब ये दोनों लाइब्रेरी पैरेलल में चल रही हैं और वो जुड़ती जा रही है। आगे जाके हमने पढ़नी है मैटप्लॉटलिब, तो वो भी इसके साथ जुड़ जाएगी। तो हम हर दफ़ा जब भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है ना, तो शुरू में एक दफ़ा कर दिया करो, जैसे इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी, और अगर पांडा यू करनी है तो वो भी स्टार्टिंग में कर दो आप, इम्पोर्ट पांडा एज पी डी। तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एन पी और पी डी क्यों ले रहे होते हैं हम, ज़रा शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, कि हमें बार बार कोडिंग के दौरान नमपाई पूरा ना लिखना पड़े या पांडास को पूरा ना लिखना पड़े, तो हम इसका हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं खुद से। ठीक
ठीक है, तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे। अच्छा, इसमें दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। पांडा बेसिकली जो है ना ओवरऑल दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है, एक होता है सीरीज, एक होता है डाटा फ्रेम। सीरीज इतना यूज नहीं होता, डाटा फ्रेम ही ज्यादा यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने ये एक बेसिकली एक चार्ट देखा होगा जिसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं, हम कुछ अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मैट्रिक क्लास की जो मार्कशीट है वो बेसिकली क्या है, एक टेबल ही है ना, एक टेबल फॉर्म है उसकी। तो वो बेसिकली जो पूरा टेबल जो है ना, वो पूरा टेबल आसान अल्फाज में डाटा फ्रेम कहलाता है। डाटा फ्रेम इन्होंने बहुत एक कम्प्लेक्स सी टर्म दे दी है, कुछ भी नहीं, इसका आसान सा मतलब है एक पूरा कंप्लीट टेबल इज कॉल्ड अ डाटा फ्रेम। ठीक है, सीरीज क्या है, उस टेबल का कोई स्पेसिफिक रो या कॉलम इज कॉल्ड अ सीरीज। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सीरीज मिलके एक डाटा फ्रेम बनाते हैं, और इससे ये भी जाहिर होता है कि एक जो सीरीज होती है वो हमेशा वन डायमेंशनल होती है, और आपका डाटा फ्रेम 2D या मल्टी डायमेंशन हो सकता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये एक छोटी सी एनालॉजी ये आपको क्लियर हो चुकी होगी कि डाटा फ्रेम क्या चीज़ है। एक कंप्लीट टेबल को हम एक डाटा फ्रेम कहते हैं, और उसी टेबल का या कोई और कोई कॉलम या रो अगर हम अलग से देखें तो उसको हम एक सीरीज कहेंगे। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल होता है, और जो आपका डाटा फ्रेम है वो मल्टी डायमेंशन हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोडिंग करें स्टार्ट। कोडिंग में पहली लाइन तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी कि आपने इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे आप दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, क्योंकि पांडा के अंदर है नंपाई के काम भी कुछ हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ही दोनों लाइब्रेरीज एक दफ़ा इनको इंपोर्ट कर लो, बार बार करने की जरूरत नहीं होती। लास्ट टाइम मैं देख रहा था काफ़ी लोग बार बार जो है उसको इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे लेना है, स्टार्ट लेना है हमने इस टेबल से। मैंने ये बताया ना कि पांडा का स्ट्रक्चर बेसिकली किस पे बेस कर रहा है, डाटा फ्रेम पे बेस कर रहा है, और डाटा फ्रेम बेसिकली क्या है, एक टेबल है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग पांडास एक टेबल बनाना है। टेबल के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डिक्शनरी जो है ना हमेशा की वैल्यू पेयर में चल रही होती है। तो हम शुरुआत लेंगे अपने पाइथन डाटा स्ट्रक्चर यानी उसमें से डिक्शनरी से। जैसे कि हमने नंपाई में क्या लिया था, एक लिस्ट से शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी से शुरुआत करते हैं। डिक्शनरी मैंने बताया था दो चीज़ों का नाम है, यानी की और वैल्यू पेयर होता है बेसिकली। तो हमने यहाँ पे थोड़ी बड़ी डिक्शनरी बनाई है। बड़ी डिक्शनरी में हमने क्या किया है, अच्छा ये चीज़ मैंने बताई थी लास्ट टाइम कि इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज होती हैं। मैंने ये काम मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ। मैंने आसानी के लिए क्या किया, इसको प्रॉपर एक ऑर्डर दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये पूरा काम एक लाइन में भी हो सकता है, और ये एक लाइन में ही होता है, जस्ट मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताया, आप भी इस तरह कर सकते हो। अच्छा, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक नेम का मैंने बनाऊंगा एक लिस्ट। ठीक है, उस लिस्ट में मैंने क्या किया, चार नेम मैंने अपनी मर्जी से ले लिए, अली, अजहर, अहमद और उस्मान। चारों के मैं कहता हूँ मार्क्स हैं। अब अली जो है उसके 90 मार्क्स हैं, वो ज़रा ज़्यादा पढ़ता है। अजहर जो है उससे ज़्यादा पढ़ता है। अहमद जो है वो नॉर्मल पढ़ता है, और उस्मान पढ़ता ही नहीं है। ठीक है ना, तो उसके 70 नंबर है। ऐसा नहीं है, जस्ट मैंने ये समझाने के लिए सिटीज़ लिख दिए मैंने रैंडम, कोई भी किसी के ले लिए कि अली जो है वो लाहौर से है, अजहर मुल्तान से, अहमद लैया से, और उस्मान कहाँ से है, बिहाड़ी से। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली क्या किया, एक डिक्शनरी बना ली है। ये सबको पता है डिक्शनरी, हमने अच्छी तरह से जो है अलग से लेक्चर देखा है इसका। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, इस डिक्शनरी को हम क्या करेंगे, एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये बार बार डाटा फ्रेम से परेशान नहीं होना कि ये इतना मुश्किल वर्ड क्या है, ये टेबल बना देंगे आसान से अल्फाज में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस डिक्शनरी को जिसका नाम मैंने DICT रखा है, वेरिएबल है, कुछ भी रख सकते हो आप, तो इसको क्या किया, PD, क्योंकि डाटा फ्रेम किसका फंक्शन है, यानी किसका एट्रीब्यूट है, PD यानी पांडास का। तो DF एक वेरिएबल है जो मैंने खुद से लिया, आप कोई भी नाम ले सकते हो। DF इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम। अब ये D कैपिटल है, F कैपिटल है, इसका ज़रा ख्याल रखना, नहीं तो एरर आ जाएगा। और ब्रैकेट में वो डिक्शनरी जो हमने क्रिएट की है। तो अब क्या करेंगे, जब ये बन जाएगी तो हम जस्ट DF को कॉल करेंगे, तो हमारे पास ये जो हमने डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा बनाया है, ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम की फॉर्म में आ जाएगा, यानी आसान से अल्फाज में एक टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उस दिन जो आप पूछ रहे थे कि मैंने अभी करना है, तो ये बेसिकली काम यहाँ पे होता है। अच्छा, ये क्लियर है यहाँ तक, हमारा डाटा फ्रेम बन गया फ्रॉम डिक्शनरी। आगे चले, अब सबसे पहला काम, हाँ जी, क्या चीज, हाँ, डाटा फ्रेम कन्वर्ट हो गया। डाटा फ्रेम में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, दो इंडेक्सेस होंगी। ठीक है, एक में हमने नेम शो किए हैं सारे, नेम, मार्क्स और सिटी, ये वाले। ठीक है,
और ये वो डाटा है जो हमने डिक्शनरी के अंदर लिया है कि ये सारे नेम आ गए, ये मार्क्स आ गए, ये सिटी आ गए, और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम जीरो। ठीक है, नहीं एक्सेल में तो वन से होती है, इसमें बाय डिफॉल्ट जीरो से होगी। ठीक है, आप जो है पांडास पे काम कर रहे हो, पांडा पे एक आप टेबल बनाते हो, ठीक है, तो उसकी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, नहीं नहीं अगर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट में जो इंडेक्सिंग तो दी नहीं होती समटाइम, वो क्या करेगा उसको जीरो से स्टार्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक्सेल बेसिकली हमारी वन से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे पांडा की लाइब्रेरी हमेशा जीरो से स्टार्ट है। फर्क कुछ भी नहीं है, उसमें क्या होता है 100 कॉलम्स या 100 रो का मतलब क्या होता है 100, यहाँ पे क्या होगा 0 से 99। हाँ जी, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस एक आपने इंडेक्सिंग का यहाँ ख्याल रखना है। बार दफ़ा ये होता है कि हम इंडेक्सिंग रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ना हम आगे, जैसे अभी तो हमारी जीरो से स्टार्ट हुई है ना, मैं आगे जाके कल आपको एक ऐसा की वैल्यू पढ़ाऊंगा जिसमें आप क्या कर दोगे इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट कर दोगे, तो ये चेंजेस हो सकती हैं। पांडा फीचर रिच क्यों कह रहे हैं इसको हम, फीचर हैं तो कह रहे हैं ना कि फीचर इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने तो 2 दिन में कवर करनी है, इसमें इतने फीचर्स हैं कि मैं 3 माह भी पढ़ा सकता हूँ आपको। मसला सारा ये है कि इसमें हमने उतना लिमिटेड पढ़ना है जितना आगे रिक्वायर्ड। यार देखो, बेस होती है किसी चीज़ की, ठीक है, हमने पाइथन क्यों पढ़ी, क्योंकि हम आगे सारी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन पे चल रही है, तो उसकी बेसिक सीखी हमने, बेसिक सीखने के बाद उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखी। अब हम सीख रहे हैं डाटा साइंस, डाटा साइंस में हमने नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और एक लाइब्रेरी और सीबॉन, ये सारी सीखेंगे आगे मशीन लर्निंग के मॉडल बनाने के लिए। और मशीन डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट हाँ डिटेल में नहीं समझोगे, इनको यूज़ करोगे। मैं अभी उतनी उतनी पढ़ा रहा हूँ जितनी आगे रिक्वायर्ड है, मतलब आगे बहुत किस्म, जैसे मिसाल के तौर पे ना पांडास जो है वो, पांडास जो है वो स्टैटिस्टिक्स के लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने AI के मॉडल बनाने, तो उसमें हमें उतने फीचर्स पढ़ने चाहिए जिसमें आगे AI में यूज़ हो जाएं, तो ये इसलिए हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। आगे जाके जब मॉडल बनेंगे ना, तो उसमें देखो पांडास भी इम्पोर्ट हो रही होगी, साथ साथ मैटप्लॉटलिब भी इम्पोर्ट हो रही होगी और नंपाई भी इम्पोर्ट हो रही होगी, तो और बेसिक डेफिनेशन जैसे फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ हो रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करके एक मेन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो कि हमारा मेन टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो परेशान नहीं होना, इसमें आगे जाके आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं, ये इन सवालों के जवाब आगे जाके खुद ही मिल जाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा एक डाटा फ्रेम बन गया, हमने खुद से बनाया, अब हम चाहते हैं कि इसको रिकॉर्ड फॉर्म में रख लें और एक इसकी एक फाइल तैयार कर लें एक्सेल की फॉर्म में, ताकि हम किसी को, फर्ज करो हमने डाटा फ्रेम बनाया, हम किसी और को देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वो जस्ट फाइल दे दें, ना कि अपना पूरा ये कोडिंग शेयर कर दें, क्योंकि कोडिंग समटाइम्स ऐसा होता है ना कि थोड़ा सीक्रेट होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपने कोडिंग की, उसके रिजल्ट्स आपने अगले बंदे को दे दिए हैं, या उसको एक टेबल फॉर्म में, एक समझ लो कि एक डायग्राम फॉर्म में दे दिया है, कोडिंग आपके पास है, तो बेसिकली ये चीज़ें वो होती है कि आपने डाटा बना लिया, ठीक है, अब डाटा को सेव करना है किसी सूटेबल फॉर्मेट में जो कि एक आम बंदा पढ़ सके, तो हमारे लिए सूटेबल फॉर्मेट एक्सेल का है। एक्सेल हमें क्या क्या ऑफर करता है, एक्सेल हमें .xls की एक्सटेंशन ऑफर करता है, ये याद है ना पता कि एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है, वर्ड की क्या होती है, वर्ड तो खैर इसमें नहीं करेंगे हम, बेसिकली एक्सेल और पांडा को इंटीग्रेट किया जा रहा है यहाँ पे, तो एक्सेल की हमारे पास एक्सटेंशन अवेलेबल है। लेकिन इस एक्सटेंशन में क्या होता है कि आपके पास जब डाटा बड़ा होगा ना, तो उसमें आपके पास थोड़ी सी लोडिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए एक्सेल का ही एक और फॉर्मेट है जिसे कहते हैं .csv, ठीक है, csv मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, नाम बड़ा मुश्किल है, आसान से अल्फाज में समझाता हूँ कि ये बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अरे होती है एक तरह की, कि आपने उसमें रोज और कॉलम्स आ जाए, ठीक है, इसमें क्या होता है ज़रा स्टाइलिंग हो जाती है, जो एक्सेलस फॉर्मेट होता है ना, इसमें आप ग्राफ भी डाल देते हो, जो एक्सेल पे काम करने वाले लोग हैं उनको आइडिया होगा, वो ग्राफ्स भी ऐड कर देते हैं और उस ग्राफ्स पे जो है वो मल्टीपल कॉलम्स और जिनकी एक फार्मूलाज के साथ भी वो सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। लेकिन जो csv होती है ना, ये बेसिकली होती है कॉमा सेपरेटेड, नाम बड़ा मुश्किल है, आसान से अल्फाज में एक स्ट्रेट डाटा है आपके पास जिसमें रोज़ हैं और कॉलम्स हैं और इसके अलावा कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। तो ये दो फॉर्मेट है, एक्सेल भी जो है हम बना सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली जो अपनी आसानी के लिए csv पे काम करते हैं, ठीक है, ये भी एक एक्सटेंशन है सिंपल एक्सेल की, एक्सेल के पास आपके पास सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। अब ये जो हमारे पास डाटा बना है ना, मैं चाहता हूँ एज इट इज़ मेरे पास एक्सेल की फॉर्म में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, अभी तो जस्ट एक ये कोडिंग की फॉर्म में है ना, मेरे पास आउटपुट आई है, मैं क्या करूँगा, df क्या है, ये वही डाटा फ्रेम,
जिसका मैंने नाम दिया था। आगे डॉट के बाद एक एट्रीब्यूट है टू अंडर स्कोर सीएसवी, ठीक है, तो वो क्या करेगा उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। मैंने डाटा रखा है इसका नाम, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, फ्रेंड्स रख सकते हो, स्टूडेंट रख सकते हो, मैंने नाम रखा है डाटा और एक्सटेंशन तो ऑब्वियसली सीएसवी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या बना, एक फाइल बन गई है। आप अपने मेन फोल्डर में जिसमें आप कोडिंग कर रहे होते हो जाके चेक भी कर सकते हो कि वहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम है डाटा डॉट सीएसवी। आप उसको वहीं से ओपन भी कर सकते हो डायरेक्ट, वो बेसिकली किस में ओपन हो जाएगी, एक्सेल में ओपन हो जाएगी और आप देखोगे ये सारा डाटा उसके अंदर रीडेबल है, ठीक है। अब जो उस भाई ने बात की इंडेक्सिंग की, उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब क्या करेगा ये तो इंडेक्सिंग करेगा जीरो से, हमें तो नहीं चाहिए जीरो से, हमें तो एक्सेल जो नॉर्मल हम उस पर टेबल बनाते हैं वैसे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक जस्ट आर्गुमेंट पास कर देंगे, कॉमा डाल के, ना यहाँ लिखा नहीं है, कॉमा डाल के इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, कॉमा डाल के इसी के आगे एक छोटा सा आर्गुमेंट और पास कर देंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स एफ कैपिटल, तो क्या होगा ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब वो एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी जो बाय डिफॉल्ट साइड पे आ रही होती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, नॉर्मल सीएसवी बनेगी आपकी विद इंडेक्सिंग, लेकिन हमें इंडेक्सिंग नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, कॉमा डाल के आगे एक आर्गुमेंट पास कर देंगे इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, वो क्या करेगा एक और नई सीएसवी बना देगा, उसका नाम मैंने यहाँ पे डाटा टू दिया है। तो आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में इंडेक्सिंग आ रही होगी, एक में इंडेक्सिंग नहीं आ रही होगी। तो ये बेसिकली इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, डाटा को एनालिसिस करने की बारी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, मैं कहता हूँ कि मैंने ये डाटा बनाया है, मुझे सिर्फ सारी रोज होना हो सकता है आपके पास बिग डाटा हो, यानी तो मैंने चार एग्जांपल लिए ना जिसमें आपके पास चार रोज हैं, हो सकता है डाटा बड़ा हो, आगे जाके बड़ा करते हैं उसको। फिलहाल हमने क्या करना है, इस डाटा की पहली दो रोज को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, डी एफ डाटा का नाम डॉट हेड, हेड यानी आगे आर्गुमेंट दे देंगे कितनी चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, अगर बड़ा हो तो पाँच, दस, पंद्रह, बीस, कितनी चाहिए, तो वो उसका नंबर लिख देंगे, उतनी ही रो शो होंगी। अब आगे मैं कहता हूँ मेरे पास चार थी लेकिन मैं दो शो करवाना चाहता हूँ तो दो शो हो जाएंगी। समटाइम ये चीज़ फिजिबल होती है डाटा एनालिसिस के लिए कि हमने पूरा डाटा नहीं देखना, हमने कोई स्पेसिफिक रोज कॉलम भी देखना है तो उसके लिए कर सकते हैं। समटाइम ये होता है कि आपकी डाटा की जो पहली दो रोज होती है ना उससे ही आपको अंदाजा हो जाता है डाटा किस तरह का है। तो इसीलिए ये काम किए जाते हैं कि हमने पहली दो रो को चेक करना है, तो डाटा डॉट हेड और आगे ब्रैकेट में जितनी रोज चाहिए, ठीक है, दो चाहिए तो दो, तीन तो पाँच। अब यहाँ पे टेल, टेल का मतलब ऑब्वियसली वो फिर बॉटम से दिखाएगा आपको, लास्ट टू रोज, हेड का मतलब फर्स्ट टू रोज, मतलब अगर मैंने पहली दो रोज चेक करनी है तो मैं हेड कर दूंगा, अगर मैंने लास्ट टू रोज चेक करनी है तो मैं टेल कर दूंगा और ब्रैकेट में उसका नंबर दे दूंगा कितनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आगे चीज़ें, एक डिस्क्राइब, डिस्क्राइब इसको ना आगे जाके मजीद डिटेल में पढ़ेंगे जब स्टैट पढ़नी है हमने। फिलहाल ये समझो कि डिस्क्राइब करने से ना आपके पास ये जो डाटा है ना, इस डाटा में ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, सिर्फ जो मार्क्स है ना आपके ये इंटीजर वैल्यूज हैं, यानी आसान से अल्फाज में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो डिस्क्राइब क्या करता है, आपके डाटा में से यानी आपके टेबल में से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को निकालता है और उसका एक स्टैटिकल एनालिसिस दे देता है। अब स्टैटिकल एनालिसिस क्या चीज़ है, यानी काउंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी कितनी है, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे चार आंसर आ जाएगा। एक ओवरऑल समझ लो समरी दे दिया आपको उसने इस टेबल की। डिस्क्राइब का फंक्शन क्या करता है, आपके पास जो गिवन टेबल है, गिवन डाटा फ्रेम है, उसकी एक ओवरऑल समरी दे देगा आपको। लेकिन समरी किस चीज़ की देगा, वो देगा जिस जो के न्यूमेरिकल डाटा होगा। अब इसमें तो उस इंटीजर्स भी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो उनको रिमूव करके जो न्यूमेरिकल डाटा होगा ना उसकी एक समरी दे देगा। जैसे काउंट यहाँ पे कितना है, चार का, एक, दो, तीन, चार, चार एंट्रीज है हमारे पास न्यूमेरिकल। मीन, इनका मीन निकाल के दे देगा, मीन पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पे ना अलग से एक लेक्चर है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको आगे जाके मजीद कवर करेंगे हम, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देगा, मिनिमम यानी इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, मैक्सिमम इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, पूरे आपके पास सीरीज का 25% कितना है, 75% कितना है, और 100% या 100% कितना, 100% तो खैर वो अंदाजा लगा ही सकते हो,
25% कितना है, 50% कितना है, 70% कितना है। तो ये एक फंक्शन पे, सिर्फ एक लाइन पे आपको पूरे डाटा का एक ओवरऑल समरी दे देगा कि इतना मीन है, इतना जो है वो उसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका काउंट कितना है, इसका 75% कितना होगा, इसका 25% कितना होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ का, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, स्ट्रिंग वैल्यूज़ का नहीं। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। आगे जाके हमने काम जितने करने हैं ना, यहाँ पे एक और डाटा फ्रेम बनाऊंगा मैं आगे, उसमें हमारे पास सारी इंटीजर वैल्यूज ही होती हैं। ये तो एक समझाने के लिए मैंने आपको डाटा फ्रेम छोटा सा बनाया। हाँ जी, हाँ हाँ, वो तो वो नहीं, नहीं उसको ओवरऑल ओवरऑल अलग अलग नहीं करेगा। अगर अलग चाहिए तो आपने आर्गुमेंट देना है कोई कि मुझे सिर्फ इस कॉलम का चाहिए, मुझे सिर्फ मास के कॉलम का चाहिए, तो एम कर दो, मतलब मार्क्स जो आपकी यहाँ पे नाम है। अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स का नंबर लिख दो, अगर मार्क्स है तो मार्क्स लिख दो। आगे एक और एज का कॉलम भी आ जाता है, उसमें भी न्यूमेरिकल डाटा है, तो उसका आप यहाँ पे रेफरेंस दे दोगे कि मुझे सिर्फ इस कॉलम का समरी दे, मुझे पूरे की समरी ना दे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है आज का लेक्चर? अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्या चीज़? अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक और डाटा बनाया मैंने, ये फाइल मैंने आपको ग्रुप में सेंड की है, उस फाइल का नाम है train.csv, सबको ग्रुप में आ गई होगी। वो एक एक्सेल की फाइल है, ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, उसको रीड करना है। अब तो ये इसमें तो हमने ये किया था ना कि हमने खुद से उसको कन्वर्ट किया था, तो हमें एक फाइल मिल गई थी आगे किसी को देने के लिए। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फाइल अवेलेबल है, हम क्या करना चाहते हैं, इस फाइल को रीड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक वेरिएबल नाम मैंने ट्रेन ही रख लिया है, आप कुछ भी रख सकते हो, pd.read_csv, और आगे उस फाइल का नाम, जो भी नाम आपने रखा, मैंने ट्रेन ही रखा हुआ है, तो आप train.csv कर सकते हो और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसको आप इनपुट करोगे, ट्रेन को कॉल करोगे, तो वही डाटा आपके पास नीचे शो हो जाएगा जो कि उस एक्सेल फाइल में है। क्या डाटा था हमारे पास? ट्रेन नंबर, यानी अप एक डाउन है, जो लोग सफ़र करते हैं उनका अंदाज़ा होगा ये 22 अप और 14 डाउन का क्या मतलब है, स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 80-70, और सिटी कहाँ से रवाना होती है। ठीक है, ये सिंपल सा डाटा है। तो अब ये आप आहिस्ता आहिस्ता नोट कर रहे होंगे, ये चीज़ें ना रियल लाइफ की तरफ मूव हो रही हैं। शुरुआत में हमने बेसिकली एक जीरो से स्टार्ट किया था और समझ नहीं आ रही थी कि रियल लाइफ की तरफ कैसे मूव होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब मशीन लर्निंग पढ़नी है ना, तो मशीन लर्निंग का जो पहला मॉडल है उसमें ही जो है मैंने टाउनशिप की मिसाल दे देनी है आपको, या समझ लो कि किसी और इलाके की ले लेंगे हम। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रियल लाइफ सिनेरियोज की तरफ मूव कर रही हैं। अब ये जो हमारे पास डाटा आ गया, हमने इसको लोड कर लिया, लोड तो कर लिया, अब इस पर काम करने की बारी है। सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास स्पीड कॉलम में कौन कौन सी एंट्रीज हैं, सिर्फ कॉलम चेक करना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेन और लिख दूंगा इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीड, तो मुझे सिर्फ इस कॉलम की एक्सेस दे देगा। यानी हो सकता है ये कॉलम बहुत बड़ा हो, यहाँ तो जैसे एग्जांपल दिए मैंने, तो इसमें बता देगा कि आपके पास कौन कौन सी स्पीड है। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम का एक्सेस करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे महकमे ने कॉल की है गवर्नमेंट के, भाई आपकी जो ये पहली ट्रेन है ना, ये वाली जो कराची से चल रही है, इसकी स्पीड जिसमें इंजन अच्छा वाला लग गया है, इसमें 70 स्पीड नहीं है, इसकी 80 हो गई है। तो वो क्या करेगा बंदा पाइथन का, वो उसको चेंज कर देगा 80 से। तो उसको कैसे चेंज करना है, किसी एंट्री को चेंज करना है। ट्रेन ये आपका क्या है, मेन कॉलम नेम, और आगे आर्गुमेंट आ रहा आपके पास इस इंडेक्स का, ये कॉलम नेम था, ये इंडेक्स नेम था, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में रख के इज इक्वल टू का साइन लगा के आगे नई वैल्यू 80 वैल्यू, उसकी स्पीड अपडेट हो गई है। तो जैसे ये करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन साथ में एक वार्निंग आ जाएगी कि ये आप करना चाह रहे हो, क्या मैं कर दूं? तो वो जस्ट कर भी देता है, जस्ट वार्निंग दे रहा होता है। ये वार्निंग क्यों दे रहा होता है, इस वार्निंग की बात करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, इसमें असल में वो चेंज तो कर देता है, लेकिन साथ में एक वार्निंग दे देता है कि ये काम कुछ हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने ये चीज़ अपडेट कर दी है, तो हम अगली कॉल करते हैं कि हाँ जी ये काम हो गया है, अगले बंदे को बताने के लिए कि वार्निंग है। तो ये वार्निंग आती क्यों है, इससे छुटकारा कैसे हासिल करेंगे, लेकिन कोई इतना मसला भी नहीं है, जस्ट एक वार्निंग देगा और उसकी स्पीड को चेंज भी कर देगा, और आप आगे जाके चेक कर सकते हो कि स्पीड चेंज हो जाएगी। चेक कैसे करोगे, दोबारा ट्रेन लिखोगे तो वो क्या करेगा, दोबारा नया कॉलम शो कर देगा और उसमें वो स्पीड ऑलरेडी चेंज होगी। और वार्निंग का क्या इशू है, इस पर आगे अभी बात करते हैं, और कल भी इंशाल्लाह बात करेंगे इस पर। ठीक है, सर,
कहाँ पे? ये कह रहे हो डाटा रीड किया है हमने सीएसवी फाइल से, ठीक है। यहाँ पे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आप पहले डाटा रीड करोगे ना तो उसके बाद आपने उस स्पेसिफिक कॉलम और उसके रो का हवाला देना है ना, तो यहाँ हवाला ये वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो पाइथन एडवांस हुई है, इतनी भी एडवांस नहीं हुई कि आपने यही कोई एक आर्गुमेंट दे देना है और वो चेंज हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने पहले उसको रीड किया, रीड के बाद जब आपके पास शो हो गई वैल्यूज, उसके बाद जो है वो आपने कोई हवाला देना है कि हाँ जी ये कॉलम था, ये रो थी, अब ये वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है। तो वैसे तो आप ये काम देखो आसान से अल्फाज बोला जाए तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, आप जस्ट एक्सेल खोलो, वैल्यू चेंज करो, काम खत्म। ये तो इससे भी आसान काम है ना, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसकी वजह से पढ़ा रहा हूँ आपको, बिग डाटा की वजह से। जब लेंथी आपके पास डाटा आता है, हजार हजार रोज, हजार हजार कॉलम्स जब होंगी ना, तो एक्सेल तो फारिग हो जाएगा उस चक्कर में, मतलब वो लोड ही करता रहेगा। तो ये बेसिकली इस वजह से है। एग्जाम्पल्स तो हम स्मॉल लेंगे ना, काम हम बिग करेंगे, तो बेसिकली यहाँ समझाने के लिए मैंने जस्ट आपको बताया है कि इस तरह से होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज करके हमने देख भी लिया, हाँ गई हो गई ट्रेन, हमने लिखा और आगे एंटर इसको रन कर दिया, तो हमारे पास नई नया कॉलम आ गया, नया टेबल आ गया सॉरी। तो उसके बाद हम कब कहते हैं कि इसको सेव कर लें, क्योंकि हमने आगे किसी को ईमेल करनी है कि हाँ जी हमारी जो कराची से ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल टू सी एस वी करके नया नाम रख देंगे, डॉट सी एस वी, और ये चीज़ें मैंने आपको एज इट इज़ यहाँ समझाई थी। हाँ, वो अपडेट हो जाएगी, लेकिन मैंने जस्ट एग्जांपल दी थी कि वो पिछले वाली भी रहे और एक और नई फाइल बन जाए। अगर आपके पास हार्ड डिस्क की स्पेस ज़्यादा है तो आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो जस्ट खाली ट्रेन लिखोगे तो वो पिछली फाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। जब जैसे अब वो कहता है ना कि मैं अपडेट कर दूँ, तो बेसिकली क्या होगा, आपकी अपडेट हो जाएगी। आपने एक नई फाइल बनानी है तो टू उसका नाम चेंज कर दो, तो वो उसी फोल्डर में जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे अपने नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर सब फोल्डर बना के लैब वाइज काम किया करो, ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। तो इंडेक्स फॉल्स करना है तो इंडेक्सिंग भी ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की है। अच्छा, यहाँ तक तो एक समझ लो ओवरव्यू लिया हमने कि पांडा में हो क्या रहा है और यही काम करना है, लेकिन मैंने बात की थी सीरीज़ की। सीरीज़ भी बनती है लेकिन सीरीज़ पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा काम होता है डेटा फ्रेम के साथ, यानी टेबल्स के साथ। सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ एक सिंगल वन डायमेंशनल एक अरे होती है आपके पास। लेकिन तो सीरीज़ बनती कैसे, हम यहाँ पे ना एक फंक्शन है रैंडम, उसका इस्तेमाल करने लगे। रैंडम फंक्शन क्या करता है, हमारे पास हम क्या करेंगे, की वर्ड यूज़ करेंगे आर ए एन डी रैंड, और उसके बाद ब्रैकेट में उसका आर्गूमेंट पास कर देंगे, यानी हमें कितनी रैंडम वैल्यूज़ चाहिए। वो क्या करेगा, अपनी मर्ज़ी से 100 हमें रैंडम वैल्यूज दे देगा। तो ये कहते हैं रैंडम डाटा जनरेट करने का तरीका। आपके पास डाटा नहीं है, आपने काम करना है, आपने सीखने के लिए काम करना है, तो इस पर्पज़ के लिए हमेशा रैंडम डाटा जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो सीरीज़ अगर बात की जाए तो सीरीज़ करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते थे, इधर देखो, यहाँ पे हमने डॉट के बाद डाटा फ्रेम लिखा था, तो सिंपल है यहाँ डॉट के बाद हम सीरीज़ लिख देंगे और आगे वही हमने यहाँ पे बस फंक्शन कॉल कर दिया, कौन सा, रैंडम का एनपी। अब एनपी यहाँ देखो यूज़ हो रहा है, ये एनपी क्या है, इसीलिए मैंने नंपाई यहाँ पहले ही कॉल कर ली थी ताकि मुझे परेशानी ना हो। यहाँ तक तो खैर अभी तक यूज़ नहीं हुआ था, आप यहाँ भी कॉल कर सकते हो उसको, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, शुरू में कर दो, आसानी हो जाएगी, बस कर दिया हमने कॉल। अब यहाँ पे नंपाई का एक फंक्शन है रैंडम, ठीक है, तो रैंडम डॉट आर ए एन डी, और हमने ब्रैकेट में एक नंबर देना है, मैंने 100 दिया है यहाँ पे, आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि मुझे 100 क्या चाहिए थी, 100 सीरीज़ का डाटा चाहिए था। तो जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे पास 0 से लेके 99 तक, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 100 सीरीज़ का एक रैंडम डाटा आ जाएगा, उसमें कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सीरीज़ बनती है। अब ये वन डायमेंशन है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, इस पर काम नहीं होता, हम काम बेसिकली डाटा फ्रेम पर ही करेंगे। लेकिन सीरीज़ बनती कैसे, समझाने के लिए कि सीरीज़, जैसे यहाँ पे सीरीज़ लिखा, उसी तरह से यहाँ से यहाँ पे डाटा फ्रेम होगा और आगे कोई ना कोई हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, हमने रैंडम फंक्शन लिया है। समझ आया सीरीज़ का? ये वाली ना डिक्ट, क्या कह रहे हो, यहाँ पे एस आर यूज़ किया हुआ है। देखो मेरी बात सुनो ना, ये सेम था नाम, पी डी भी सेम था, सीरीज़ उसकी जगह डाटा फ्रेम आ गया। आप इसकी जगह कोई लिस्ट दे दो जो ऑलरेडी आपने पहले बनाई हुई है, मैंने एक रैंडम फंक्शन यूज़ किया है। अब आगे जाके यही काम मैं इस पर भी करने लगा हूँ,
डाटा फ्रेम पे, तो आपका गिला शिकवा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए सबर करो थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, अब वही काम करते हैं, हमने रैंडम डाटा जनरेट किया यूजिंग सीरीज के साथ, लेकिन सीरीज पे हमने काम नहीं करना क्योंकि सीरीज एक वन डायमेंशनल है, उस पर कितना काम हो जाएगा। हम काम करेंगे बेसिकली डाटा फ्रेम पे, तो उसी सेम चीज को मैंने डाटा फ्रेम के साथ यूज किया है, एक वेरिएबल न्यू डीएफ के नाम से बना लिया, क्योंकि डीएफ पहला मेरा ऑलरेडी बना हुआ था ताकि कॉन्ट्रडिक्शन ना हो दोनों में। न्यू डीएफ बनाया, वेरिएबल पीडी पांडास का यूज हो गया, डॉट डाटा फ्रेम एनपी यानी नमपाई का फंक्शन रैंडम यूज करने लगा हूं मैं, एनपी डॉट रैंडम डॉट आर ए एन डी, ठीक है? अब डाटा फ्रेम में ना आपको मैंने बताया था कि दो या दो से ज्यादा होते हैं, मल्टी डायमेंशन होता है, तो उसकी रोज भी होंगी कॉलम्स भी होंगी, मैं खाली रोज नहीं दे सकता, तो मैंने 100 रोज और 5 कॉलम दे दिए, तो 100.5। तो अब ये एक रैंडम डाटा फ्रेम बनने वाला है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आगे कॉमा, उसको अरेंज भी करना है, यानी ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से अरेंज कर दे, पहले जीरो जो है इंडेक्स ले ले, उसके बाद पांचवा इंडेक्स ले ले। एक स्टार्टिंग वैल्यू अरेंज करने के लिए कॉमा डाल के एक और आर्गुमेंट पास किया कि इंडेक्स को अरेंज हालत में रखे, जो अरेंज फंक्शन हमने पढ़ा था याद होगा, एनपी डॉट अरेंज, आगे ऑब्वियसली 100 हमारे पास रोज है तो 100 ही आएगा, ताकि उन कॉलम्स को 0, 1, 2, 3, 4 एक अरेंज फॉर्म में रखे, क्योंकि रैंडम फंक्शन है, रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडमली जनरेट कर देता है, हो सकता है पहले 0 कर दे, फिर 5 कर दे, फिर 3 कर दे, एटलीस्ट इंडेक्स को तो अरेंज फॉर्म में रखे ना, वो बीच में डाटा रैंडमली जनरेट करे, तो इसलिए हमने इंडेक्स को कह दिया कि अरेंज करके रखे, ठीक है? तो कॉमा डाल के एक छोटा सा आर्गुमेंट पास किया है। यहाँ तक समझ आया क्या हुआ? एक डाटा फ्रेम बनाया, उसमें हमने रैंडम फंक्शन यूज करके 100 और 5 कॉलम का एक टेबल बना लिया, ठीक है? और उसके बाद आगे उसको बता दिया कि इंडेक्सिंग को रैंडम नहीं रखना आपने, ठीक है? इंडेक्सिंग को अरेंज रखना है, और इंडेक्सिंग क्या, यानी जो हमारी 100 रोज हैं। तो जैसे ही आप ये लिखोगे और न्यू डीएफ कॉल करोगे, आपके पास 0 से लेकर 99 तक एक बिग डाटा आ जाएगा, ठीक है? मतलब इतना बिग भी नहीं है, एक नॉर्मल हालत में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है? आप देखोगे जब आंसर आएगा ना, तो आपके पास 100 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, रिमेंबर, ठीक हो गया? अब इसका अगेन हमने हेड चेक करना है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर मैं यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता कि मुझे 5 रोज चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट 5 ही होता है, 2 तो बाय डिफॉल्ट नहीं होता, यहाँ पे 2 रोज चाहिए तो मैं 2 लिखूंगा, 3 चाहिए तो 3 लिखूंगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखता तो फिर भी आंसर आ जाएगा, वो आएगा बाय डिफॉल्ट 5, यानी किसी चीज की बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी तो होती है ना, कि भाई ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 5 हेड के बराबर है, अगर मैं 2 लिख दूंगा तो 2 दिखा देगा मुझे, 3 या जितनी मुझे चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसकी, 5। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है समटाइम्स के जो हेड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मतलब हाउ मेनी 5 बेसिकली आपको जनरेट कर देगा। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी तो मेरे पास 0 से लेके 5 तक एंट्रीज सारी शो कर देगा। उसके बाद अब उसकी टेल भी कर सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है। इंडेक्स अगर फर्ज करो मेरे पास क्या करना है, मुझे सिर्फ इंडेक्स की वैल्यूज चाहिए, तो क्या करूँगा, सिंपल उसका एक एट्रीब्यूट है इंडेक्स, सारी इंडेक्स दिखा देगा, ठीक है? अभी क्या कर रहे हैं हम, डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? तो एनालिसिस के सारी आपके पास एट्रीब्यूट्स ये वाले होते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे न्यू डीएफ है, उसको मैं नमपाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए इस चीज़ की, तो कैसे करेंगे, 2.2_numpy और आगे parenthesis। तो आप क्या करेगा, आपके पूरे डाटा फ्रेम को वो नमपाई में एक 2D या 3D नमपाई फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट वो एक आपके पास लंबी सी लिस्ट आ जाएगी, यानी क्या होगा, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो एक 2D लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे, नमपाई ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, ठीक है? ट्रांसपोज लेना है, जैसे मैंने नमपाई में लिया था, इसमें भी ट्रांसपोज होता है, क्या होगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, 4 जो है वो उसकी, 5 जो है उसकी रोज बन जाएंगी और 99 कॉलम्स बन जाएंगे, उल्टा हो जाएगा ना, सिंपल, समझ आ रहा है? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है, ट्रांसपोज आ गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इंडेक्स कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे कि सॉर्ट इंडेक्स एक्सिस 0, एक्सिस मैंने पढ़ाई थी नंपाई में आपको, और असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स, यानी पहले तो ये था ना कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सॉन चल रहा था, अब इसका इंडेक्स उल्टा हो गया है क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर को फॉल्स कर दिया, तो क्या करेगा, उसका उल्टा इंडेक्स कर देगा, 99 से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना आर्गुमेंट बेसिकली सारे इस तरह से चल रहे होते हैं, जैसे मैंने इंडेक्स को कहा फॉल्स कर दे तो उसने इंडेक्स हटा दिए, ठीक है? यहाँ पे असेंडिंग को फॉल्स, बेसिकली एक वैल्यू चेंज करनी है ना, पाइथन इतनी ईजी भी तो नहीं है ना कि आप जो मर्जी लिखोगे वो मान लेगी आपकी बात, इसका एक ऑब्वियसली सेंटेक्स भी होता है। हाँ जी,
डिसेंडिंग का वो सपोर्ट ही नहीं करता है, हो सकता है नया वर्जन कोई आए। आपको पता है कि जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, इनके हर माह तकरीबन नए वर्जन आ जाते हैं। हमने लास्ट टाइम नंपाई का कौन सा वर्जन देखा था, किसी ने मुझे कहा था कि नंपाई का वर्जन चेक करना है, तो 1.6.3 था। तो पांडा का भी कोई ना कोई वर्जन होगा, हर महीने या नहीं तो हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक लाइब्रेरी का नया वर्जन आ जाता है, उसमें नए एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, नए फंक्शंस आ जाते हैं। तो हो अभी तक तो खैर जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ना उसमें नहीं, मतलब जो वर्जन है उसमें नहीं है ये चीज़। हो सकता है आगे जाके वो डिसेंडिंग का भी इम्प्रूव कर दें, क्योंकि ये तो ओपन सोर्स है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो बना रहे हैं, पब्लिक है बेसिकली। तो अभी तक जो वर्जन चल रहा है आपके पास पांडास का, उसमें डिसेंडिंग का नहीं है ऑप्शन, हो सकता है आगे जाके आ जाए। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, असेंडिंग को फॉल्स कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो इंडेक्सिंग का ऑर्डर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हमने क्या किया है, हम इस न्यू डीएफ, हम न्यू डीएफ बनाया था ना हमने यहाँ पे, मैं कहता हूँ इस न्यू डीएफ की एक कॉपी मुझे चाहिए, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, न्यू डीएफ की एक कॉपी चाहिए, उसका नाम मैंने रख दिया व्यू डीएफ। न्यू डीएफ की एक मुझे कॉपी चाहिए, व्यू डीएफ या कोई भी नाम रख सकते हो आप, मैंने व्यू डीएफ रखा है। तो मुझे क्या हुआ कि इसकी एक कॉपी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है, व्यू और कॉपी का, ये दोनों अलग टर्म्स हैं। व्यू का मतलब कि जो मुझे ये दिखा रहा है वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसने अगर कोई चीज़ चेंज की है तो इसमें भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ना एनालॉजी को समझने की कोशिश करो, मैंने क्या किया, न्यू डीएफ को बराबर कर दिया व्यू डीएफ के, ठीक है। अब ये व्यू और कॉपी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। व्यू में ये होता है कि जो चीज़ मुझे ये न्यू डीएफ दिखा रहा है, समझ लो एक बंदा है जो मुझे ये चीज़ दिखा रहा है, कहता है दिन में तारे हैं, तो ये कहेगा दिन में तारे हैं, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। तो ये इसका क्या कर रहा है, अंधा एतमाद कर रहा है, तो इस चीज़ को कहते हैं व्यू। यानी मैं आसान से अल्फाज में इसमें कुछ चेंज करूँगा या फिर इसमें कुछ चेंज करूँगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आगे करके देखा है, मैंने क्या किया, व्यू में एक चेंज चीज़ चेंज की है, और वो क्या क्या हुआ, मैंने ज़ीरो रो पे, ज़ीरो कॉलम पे मैंने क्या कर दी, वैल्यू चेंज कर दी। यानी ये पहली वैल्यू जो यहाँ थी मैंने चेंज कर दी, ज़ीरो रो पे, ज़ीरो कॉलम पे मैंने पहली वैल्यू चेंज कर दी, वो चेंज हो गई। अब मैं उसमें नहीं चेक कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू डी एफ में चेक कर रहा हूँ, उसमें भी चेंज हो जाएगी, वही कॉन्सेप्ट जो वो कह रहा है उसमें भी हो रहा है। दोनों इक्वल है ना, बराबर है, तो या तो इसमें चेंज करो या तो इसमें चेंज करो, वो दोनों में वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे का अंधा एतमाद कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो कॉन्सेप्ट है, ये इस चीज़ को करने के लिए फिर कॉपी का कॉन्सेप्ट आता है। व्यू में क्या होता है, दोनों जो एक दूसरे को दिखा रहे हैं ना वो एक्सेप्ट होगा, यानी ये अगर कुछ अपने डाटा फ्रेम में चेंज करता है, उसके डाटा फ्रेम में भी वो चीज़ चेंज हो जाएगी, चाहे ये चेंज करे चाहे ये चेंज करे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं व्यू कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट है कॉपी, उसमें उन्होंने एक एट्रीब्यूट लॉन्च कर दिया जिसको कहते हैं डॉट कॉपी। ये काम मैंने किया था, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अब ये काम किया है कि न्यू डीएफ को पहले कॉपी बना के कॉपी डीएफ में डाल दिया। अब मैं जो इसमें चेंज करूंगा वो इसमें चेंज नहीं होगा, इसी वजह से वार्निंग आ रही होती है। वो जो वार्निंग यहाँ पे आई थी ना, मैंने क्या किया था, जस्ट चेंज किया था। अब मैं कॉपी बना के चेंज करूंगा ना, फिर वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है। या फिर आगे जाके हम लॉक फंक्शन पढ़ेंगे, आई लॉक पढ़ेंगे, उसमें भी वार्निंग नहीं आती, उसमें भी वैल्यूज चेंज कर रहे होते हैं। अभी फिलहाल व्यू और कॉपी का कॉन्सेप्ट समझो कि व्यू में क्या होता है, एक डाटा फ्रेम अगर अपनी कोई वैल्यू चेंज करेगा दूसरे में भी ऑलरेडी चेंज हो जाएगी, या दूसरी चेंज करेगा तो उसमें ऑलरेडी चेंज हो जाएगी, इसे कहते हैं व्यू। व्यू क्या होता है, एक नज़ारा, जो हम देखना चाह रहे हैं वही दिखता है हमें, ठीक है। और कॉपी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसका डुप्लीकेट, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, जब डुप्लीकेट बन गया तो इसमें कुछ मैं चेंज करूँगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम ना एक डाटा फ्रेम को दूसरे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कन्वर्ट करना हो तो कॉपी की मदद से बचा भी सकते हैं उसको। तो ये जब हमने कर दिया, हम करके देखते हैं इस बात को। हमने क्या किया, फिर कॉपी डीएफ में एक वैल्यू चेंज की, ये पहली वैल्यू, ठीक है। अब जब हमने न्यू डीएफ किया तो वो वैल्यू चेंज यहाँ पे नहीं थी, जबकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई थी। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखो अभी तो हम एक थ्योरेटिकल व्यू पढ़ रहे हैं ना प्रोग्रामिंग का, जब आप खुद से प्रैक्टिस, इसलिए मैं कहता हूँ डेली सारी प्रैक्टिस करके जाया करो, और जो हमने पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाता है आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये कॉपी और व्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ हो जाती है, जस्ट हमने क्या करना है, डॉट कॉपी का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है,
ठीक है। अच्छा ये सारा काफ़ी जो है ना आपको थोड़ा डर्टी सा लग रहा होगा, इसलिए मैं ना ग्रुप में एक फाइल भी सेंड कर देता हूँ, PDF फाइल, ताकि किसी को कोई सेंटेक्स में मसला हो ना तो वहाँ से देख सके। तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से या 2-3 दिन से जो है ना हमारी वो फाइल आ रही है ग्रुप में, जो मैं सेंड करता हूँ आपको PDF, उसमें ना करेक्ट सेंटेंस, या लेट से यहाँ कोई गलती हो गई है तो वहाँ से आप करेक्ट सेंटेंस दे सकते हो, वहाँ पे आपके सारी आउटपुट्स भी होती है उसकी। अच्छा यहाँ तक आगे चलते हैं, अब हमने इसकी हेड चेक कर सकते हैं, मैंने हेड चेक करने का तरीका बताया आपको, कॉपी का भी हेड चेक कर सकते हैं। आप देखोगे दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, उसमें वैल्यू चेंज हो गई थी, जबकि मैंने कॉपी को चेक किया तो उसमें वैल्यू वो पुरानी वाली थी, तो इसको कहते हैं कॉपी का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब एक आखिरी फंक्शन पढ़ते हैं, लॉक फंक्शन। ज़्यादा तो नहीं हो गया आज? बहुत ज़्यादा हो गया। देखो 2 दिन में कवर करना है और उसके बाद हमने आगे भी लाइब्रेरीज पढ़नी है, मशीन लर्निंग की तरफ जाना है, हमने 5वें हफ्ते में मशीन लर्निंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। अच्छा आखिरी छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा नहीं है, लॉक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, आपके पास पांडास में LOC लॉक फंक्शन होता है। लॉक फंक्शन, अच्छा इस कॉपी व्यू से अमल के बचने से हम करने के लिए ये काम करते हैं कि हमें ना इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना, हमें कोई आसान सा एक नया फंक्शन, बाद में जब नया वर्जन आया आया होगा किसी ने लॉक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये काम भी होते हैं, वैलिड है। लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यू DF के बाद अगर लॉक लिख दोगे ना और कोई वैल्यूज, यानी 0 रो 0 कॉलम पे आपने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो क्या होगा, जस्ट इसमें ही चेंज होगी, वो किसी और चीज़ में चेंज नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे लेट से कुछ और भी इसको नाम दे देते हो ना DF2 के नाम से, तो वो उसमें चेंज नहीं होगी। कॉपी से भी कर सकते हो, इसका हेड चेक करना है तो ये वैल्यू चेंज हो गई। अब एक चीज़ और है, मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास इंडेक्स है ना, इसकी नेमिंग चेंज करनी है, तो उसका एक आसान तरीका है। आप क्या करोगे, न्यू DF जो आपका नाम है डाटा फ्रेम का, डॉट कॉलम और लिस्ट दे दोगे ABCD। मैंने यहाँ पे 0-1 के बजाय ABCD कर दिया, आप कोई भी इंडेक्स दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नेम, मंथ और सिटी था, तो इस तरह से ये सारी इंडेक्सिंग चेंज भी हो सकती है। ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू है, ठीक है, इसको कैसे चेंज करना है? यहाँ तो मैंने कर दिया था 0 0, तो यहाँ पे आप करोगे 0 कॉमा और A सिंगल इनवर्टेड कॉमा में, तो ये वैल्यू फिर इस तरह से चेंज होगी यहाँ, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे 0 और कॉमा A, और उसके बाद आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और अगर हेड चेक करना है दोबारा हेड चेक कर लो। अब मैं कहता हूँ मुझे सारा डाटा फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे कोई ख़ास रो चाहिए, उनके कुछ खास कॉलम चाहिए, वो दिखाया मुझे, तो मैं क्या कहूँगा, ये फंक्शन ILOC में काम आता है, मतलब लॉक में काम आता है। newDF.LOC पहला आर्गूमेंट दिया, फिर दूसरा दिया, यानी मुझे सिर्फ पहली और दूसरी रो का डाटा चाहिए, उसके बाद सिर्फ कॉलम D से और C से चाहिए, मुझे सारा डाटा फ्रेम ना दिखाए जो मैंने 99 रोज बनाई है, मुझे क्या करे सिर्फ पहली और दूसरी रो में से C और D का डाटा दिखा दे, तो वो एक छोटा सा आपको डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसमें ये वाली वैल्यूज होंगी जो हमने इसको आर्गूमेंट के तौर पे दिए कि पहली रो और दूसरी रो का C और D कॉलम का डाटा हमें दिखा दे। तो काफ़ी आज के लिए। अच्छा देखो लॉक फंक्शन क्या होता है, हमारे पास कॉपी और व्यू का कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी, उससे भी काम चल जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि यार हमारा हमें कुछ ना एडवांस एनालिसिस करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना था, वैल्यूज चेंज करनी थी और आगे जाके हमने इन चीज़ों को यूटिलाइज करना था, और ILOC के फंक्शन के साथ हमें स्पेसिफिक कॉलम और रो को एक्सेस करना था, ये काम पीछे नहीं हो सकता था क्योंकि कोई एट्रीब्यूट आया ही नहीं है इसका। ये काम करने के लिए हमें लॉक का फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया इसमें पांडास में। उसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो उसमें वैल्यू चेंज हो सकती है जो कि कॉपी में होती थी, सेम तरीका है, आपने newDF जो आपने फ्रेम बनाया, उसके बाद लॉक का एट्रीब्यूट यूज़ करोगे 0.0 जो रोथ और कॉलम के हिसाब से, और आगे वैल्यू दे दोगे जो आपने वैल्यू चेंज करनी है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो हेड करके। ये बार बार हेड क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि देखने के लिए वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये तो सिंपल है, ये लॉक में नहीं आता बेसिकली, कि अगर मुझे कॉलम की लिस्ट चेक चेंज करनी है, मतलब उसका इंडेक्सिंग चेंज करनी है, कोई नाम रखने हैं तो नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ABCD चेंज कर दिया, तो ABCD के लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम को कॉल करके लिस्ट दे दूंगा एक ABCD, या फिर अगर क्या, हाँ इंडेक्स तो पहले ही था ना 0 1 2 3 4, नहीं इंडेक्स करके नहीं, वो मैं कॉलम में चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर रो में चेंज कर रहा हूँ तो रो करूँगा, ठीक है। ये कॉलम्स की वैल्यूज है ना, ये कॉलम है सारे आपके, यानी कॉलम के इंडेक्स चेंज करने में, तो मैं क्या करूँगा कॉलम और यहाँ पे एक लिस्ट पास कर दूंगा, वो खुद ही सारी वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोबारा चेक करूँगा हेड करके कि हुआ भी कि नहीं हुआ, ठीक है। अब फाइनल यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, यहाँ पे A सीरीज आ गई, यहाँ पे
वन टू सीरीज आ गई, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए, छोटा सा एक सेंटेक्स है इस तरह से, मतलब सेम ही है, डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे जीरो जीरो था और यहाँ पे जीरो और ए है, और वैल्यू चेंज इस तरह से हो जाती है। दोबारा चेक करेंगे हुई कि नहीं हुई, ठीक है, इसलिए बार बार हेड करना पड़ रहा है हमें। और उसके बाद एक फाइनल चीज़ है कि हम मुझे किसी भी डाटा फ्रेम के स्पेसिफिक रोज चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, उनके लिए क्या फंक्शन होगा, लॉक का फंक्शन यूज होगा और आगे आर्गूमेंट पास हो जाएगा, पहली रो दूसरी रो में कॉलम सी दिखाए और कॉलम डी दिखाए मुझे, दैट्स इट, ठीक है। चलो कोशिश करो, ट्राई करो इसको, तो प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।